सोचा था शादी के बाद अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताऊंगी, मगर मुझे क्या पता था कि एक ऐसी औरत के जाल में फंसे होंगे मेरे होकर भी मेरे नहीं होंगे। सर्प अपनी मणि की रोशनी जहाँ तक जाती है वहीं तक उसकी दुनिया होती है, ठीक उसी तरह आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इस मणि के आते ही आपके सारे रुके काम पूरे हो जाएंगे। सोचा था शादी के बाद अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताऊंगी, मगर मुझे क्या पता था कि एक ऐसी औरत के जाल में फंसे होंगे मेरे होकर भी मेरे नहीं होंगे। रात भर उनका इंतजार करती रहती थी और अगर कुछ पूछती थी तो कलेश होना तो कोई नई बात थी ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों का मुंह देखती थी कि सोचकर चुप हो जाती थी। काम से तो जैसे उनका ध्यान ही हट चुका था और पूरा कारोबार चौपट हो चुका था। फिर टीवी में मैंने ये प्रोग्राम देखा और गुरुजी को अपनी सारी समस्या बताई। तो फिर क्या था, जब मैंने दिव्य मणि अपने पूजा स्थान पर स्थापित करी तो उसके बाद वो उसके पास जाना तो छोड़ो उसका फोन तक नहीं उठाते थे। दिव्य मणि में इतनी एकाग्रता थी कि उनका सारा हर फालतू चीजों से ध्यान हट के सिर्फ काम में ही उनका ध्यान रहता था। असीय मणि होती है उसके जीवन काल में वो व्यक्ति भूमि भवन वाहन और राजपद का सुख पाता है। इसे नीलम भी कहा जाता है, लेकिन नील मणि और राशि के नीलम में फर्क होता है। जो व्यक्ति दिव्य मणि को अपने पूजा के स्थान पर स्थापित करता है उसका जीवन सफल हो जाता है।